मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, हमने कितनी सेल बाहर के कस्टमर को करके की, एक डिवीजन में, कितनी दूसरी डिवीजन को ट्रांसफर करके, इसमें से उस डिपार्टमेंट स्पेसिफिक की क्या कॉस्ट थी, उस डिपार्टमेंट स्पेसिफिक उसको कहते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। जब उसको माइनस कर देते हैं तो क्या निकलता है, कंट्रोलेबल प्रॉफिट, क्योंकि उस डिपार्टमेंट का उस प्रॉफिट पे बड़ा अच्छा खासा कंट्रोल है, उसे मालूम है ये कॉस्ट मैं इनकर कर रहा हूं इस वजह से मेरा ये रेवेन्यू आ रहा है, बस सीधी सी बात। तो ये कहलाता है क्या, कंट्रोलेबल प्रॉफिट। आप चाहे तो कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन भी पहले निकाल सकते थे, लेकिन मैं सीधा कंट्रोलेबल प्रॉफिट पे आ रहा हूं। इसमें से नॉन कंट्रोलेबल अवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी है, जैसे लीगल एक्सपेंस। अब ये अवॉइड तो कर सकते हैं लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं, केस हो गया वगैरह कुछ भी। तो नॉन कंट्रोलेबल अवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी है, आपने कहा जैसे लीगल एक्सपेंस वगैरह होते हैं, तो आपने कहा उससे मेरा निकलता है डिवीजन का प्रॉफिट या डिवीजन का कंट्रीब्यूशन, जो भी है। क्लियर हुआ? आपने कहा ठीक है, स्लैश कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, जो कुछ भी मैंने, चलो डिवीजन प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन वर्ड गलत है, हटा दो डिवीजन का प्रॉफिट। अब कुछ खर्चे होते हैं हेड ऑफिस के, वो खर्चे किसके ऊपर एलोकेट किए जाते हैं, करते हो कि नहीं करते, वो खर्चे किसके ऊपर डाल देते हो आप, करते हो वो खर्चे अपोर्शन करके डिवीजन के ऊपर डाल देते हो और उसके ऊपर डाल के खर्चा माइनस कर देते। अब कह रहे हैं कि वो खर्चे जो किसके हैं, किसके हैं? आप कहोगे कॉर्पोरेट ऑफिस के, हेड ऑफिस के, वो माइनस करो। क्यों माइनस करो यहां पे? क्योंकि डिवीजन इन एनी केस अगर अकेली ऑपरेट कर रही होती और हेड ऑफिस नहीं होता तो ये सब खर्चे करते कि नहीं करते? आप कहोगे बात तो सही है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं जो स्पेशली डिवीजन को करने पड़ते, जो कि अब नहीं कर रहा क्योंकि हेड ऑफिस है, तो वो खर्चे इस पे डलने चाहिए। आपने कहा ठीक है। तो हम लोग जो जब डिवीजनल मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे होते हैं ना, जब डिवीजनल मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो हम कंट्रोलेबल प्रॉफिट के बेस पे करते हैं। कब? ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। जब हम डिवीजनल मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं तो किसके बेस पे करेंगे, कंट्रोलेबल प्रॉफिट के केस पे। लेकिन अगर दो डिविजन्स को कंपेयर कर रहे हैं या दो एंटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, उस केस में डिविजनल नेट प्रॉफिट लेके चलेंगे। समझ आया नहीं आया? तो सिचुएशन होगा यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास टिपिकली जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, डिविजन मैनेजर की परफॉर्मेंस, ना कि दो डिविजन्स, जैसे एक कंपनी पूमा है एक एडिडास है, उन दो को कंपेयर करना। हमें अभी क्या देखना है, बस अपने यही दो डिविजन्स को देखना है अगर कंपेयर करना है तो। इसीलिए हम जनरली कंट्रोलेबल प्रॉफिट वगैरह को लेके चलेंगे, बहुत कम लेके चलेंगे डिविजनल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई होप समझ में आ गया होगा क्या, कि अगर डिवीजन के मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है तो आपको लॉजिकली क्या लेना चाहिए, कंट्रोलेबल प्रॉफिट, क्योंकि वो प्रॉफिट उसके कंट्रोल में था, ज्यादा खर्चा करना कम खर्चा करना। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि अगर हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट, कौन सा वाला, आपने कहा डिविजनल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहे, क्यों, ताकि हम ये देख सकें कि आखिरकार दो डिविजन्स अलग अलग, जैसे मैंने एक बार एग्जांपल लिया था, एक में इम्प्यूटेड रेंट लग रहा है एक में नहीं लग रहा। जैसे मान के चले दो भाई है, एक को एक मैंने काम पे भेजा, वही काम पे दूसरे भाई को दूसरी जगह भेजा, एक को दिल्ली एक को मेरठ। दिल्ली वाले को मैंने अपनी जगह दे दी कि काम कर ले, मेरठ वाले को नहीं दी, उसको रेंट पे जगह लेनी पड़ी। तो यहाँ पे आप माइनस करते हो नहीं कि करते, अगर दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे, एक का मेरठ वाले की आई 1,00,000 रुपए कमाया, दिल्ली वाले ने 1,20,000 कमाया। मेरठ वाले ने 1,00,000 इसलिए कमाया क्योंकि 30,000 उसका रेंट लग गया था, दिल्ली वाले ने कोई रेंट नहीं दिया था। तो कायदे में किसकी परफॉर्मेंस बेटर है? आप कहोगे कि सर दिल्ली वाले की कम बेटर है। क्यों? अगर उसने भी ये 30,000 का रेंट पेयर किया होता तो 120 की जगह उसकी इनकम कितनी रह जाती, 90। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जब हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे होते हैं दो डिपार्टमेंट की या कुछ भी इस तरीके से कर रहे होते हैं तो हम क्या लेके चलते हैं, डिविजनल नेट प्रॉफिट। और अगर हम ये देख रहे हैं कि कौन सा प्रॉफिट उसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं, जितनी परफॉर्मेंस उसकी होनी चाहिए थी वो है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या लेके चलते हैं, कंट्रोलेबल प्रॉफिट। मतलब डिवीजन मैनेजर की खुद की परफॉर्मेंस, ना कि दूसरे से कंपैरिजन वाली परफॉर्मेंस को देखने के लिए कंट्रोलेबल प्रॉफिट यूज किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे आपको कई जगह कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन वर्ड दिखाई देगा तो आई होप आपको क्लियर होगा वो क्या है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं,
याद है आपको? देखो दो तरीके होते हैं, फिक्स सेट प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। दूसरा तरीका होता है, आप कहेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस शेयर कैपिटल, ये होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहां पे वर्ड है एवरेज, तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। तो हम कैसे निकालते हैं? इसमें वैसे भी निकाल लेते हैं बिना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के कई जगह, लेकिन टिपिकली हम कैसे निकालते हैं? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेके चलते हैं। कई जगह कई लोग कहते हैं कि सर विदाउट एवरेज हो, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या लेके चले, एवरेज वाला, तो हम भी एवरेज लेके चलेंगे। और टिपिकली कौन सा होता है, यहाँ लिख भी दिया उसने कौन सा, आपने कहा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे लेके चलना है, मैं आपको समझाता हूँ और इसके ऊपर पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। आपके पहले कैलकुलेट कैलकुलेशन सिखाता हूं। आपको बोला टोटल असेट्स हैं इतने, करंट लाइबिलिटी इतनी है, तो माइनस करके आपके पास आ जाएगा क्या, दोनों में आप निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आएगा वन एट्टी टू लैख, और यहां आएगा 178 लाख। दोनों का एवरेज हुआ 180 लाख। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है कंपनी का? रेवेन्यू माइनस दिस 75 लाख ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? इन दोनों को माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब कहते हैं कैलकुलेट करो जीपी रेशियो। जीपी रेशियो क्या है? 75 लाख डिवाइड बाय 300 लाख इंटू 100। 25% हमारा जीपी रेशियो हो गया, 75 अपॉन 300 लाख इंटू 100। आपने कहा ठीक है, कहता है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए 75 लाख माइनस 48 लाख, आपने कहा ये हो गया 27 लाख अपॉन 180 लाख। 27 लाख हो गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइड बाय 180 लाख इनटू 100, तो ये कितना आया? ये आया आपका 15%। वो आया था 25%, ये आया 15%। कहता है फर्नीचर इंडस्ट्री अर्न ग्रॉस प्रॉफिट एट एन एवरेज ऑफ 23% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12%। तो हमारा जो आया था 25% और 15%, हमारा तो बेटर है परफॉर्मेंस, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे कहता है इसके बाद और कुछ ही बोला है? हमारी तो बेटर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड इलस्ट्रेशन, एक्सटेंशन टू इलस्ट्रेशन एडवाइज आफ्टर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एमपीएल इफ इंडस्ट्री इफ फैक्ट्री इंडस्ट्री फर्नीचर इंडस्ट्री आरओसीआई इज 16%। अब अगर ये 12% ना होके 16% होता तो क्या होता? तो हमारी परफॉर्मेंस बिलो पार होती, आप ये कहते हैं। लेकिन अब क्या हुआ? अब एक बात सोचो, अब ठंडे दिमाग से सोचना, इससे आपको बात समझ में आएगी। यहां पे मान लो कुछ कमाई है या नहीं, क्वेश्चन ये है, आपने कहा कमाई है, इंडस्ट्री से कम है लेकिन कमाई तो है। अब मैं आपको एक चीज पहले रेजिडुअल इनकम सिखा दूं, फिर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े जबरदस्त चलते हैं, वो समझाऊं। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हो गया, आपको पता ही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं अभी नहीं लेके चल रहा, ये एग्जांपल मैं बाद में लेके चलूंगा, पहले रेजिडुअल इनकम समझा दूं। चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं, फिर रेजिडुअल इनकम भी ले लेंगे। आपसे कहता है आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, डिवीजन ए अगर इन्वेस्ट करता है 20 लाख, उसको कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन आएगा। कौन सा कंट्रीब्यूशन? ध्यान दो, कंट्रोलेबल 2 लाख। तो वो कितने परसेंट कमाएगा? कितने परसेंट कमाएगा? 10%, 2 लाख अपॉन 20 लाख। और अगर यही इन्वेस्टमेंट बी करता है 20 लाख की,
1.4 लाख कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन है, वो कितने कमाएगा? मतलब एक अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट में 20 लाख का, तो आप कहोगे ये 7% कमा रहा है या 10% कमा रहा है? अच्छा, अब सोचो यहां पे सोचो 13% 5%, आपको पता है इस समय इंडस्ट्री जो है, इस समय जो डिवीजन अल्फा है वो कितना कमा रही है? 13%, और डिवीजन बीटा इस समय कितना कमा रही है? 5%। आपको नहीं लगता ये रो पड़ेंगे? कौन? डिवीजन अल्फा वाला। वो कहेगा मेरी जो करंट आरओआई वो 13%, अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा तो मेरी करंट आरओआई कम हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बात तो सही है, पहले मैं ज्यादा कमा रहा हूं परसेंटेज वाइज, पहले मान के चलिए मैं सिर्फ डिवीजन अल्फा के बारे में सोचते हैं, 100 लाख पे 13 लाख कमा रहा हूं तो मेरी आरओआई आई थी 13%। अब अगर मैंने इसमें 20 लाख और जोड़ दिए जिसपे मैं 2 लाख कमाऊंगा तो टोटल हो गया 120 लाख, ये हो गया 15 लाख, तो 15 अपॉन 120 आपने कहा ये हो गया 12.5% मेरी आरओआई रह जाएगी। अगर मैं डिविजनल मैनेजर की परफॉर्मेंस आरओआई के बेस पे डिसाइड करूंगा, परफॉर्मेंस मेजर मैं कैसे रख रहा हूं? आरओआई के बेस पे, तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई कि नहीं होगी? प्राइवेट सेक्टर में बात कर रहे हैं हम, हमें देखना है कि परफॉर्मेंस कैसे मेजरमेंट करें, केपीआई वगैरह हमने समझा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में हम सोच रहे हैं कि क्या क्या हम आरओआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रख लें, जीपी रेशियो तो अलग है, वो तो हो गया सिंपल था, क्या आरओआई रख लें? आपने कहा अगर आरओआई रखते हैं तो ये बंदा यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, डिविजन बी तो करना चाहेगा। डिविजन बी क्यों करना चाहेगा? वो कहेगा मान लो पहले मैं 5% के हिसाब से, मान के चलिए मेरे 50 लाख में लगा रखा था मैं, आपका अभी तक मैं 2.5 लाख अर्न कर रहा था, अगर मैं 20 लाख और लगाता हूं जिसके ऊपर मैं 1 पॉइंट अभी तक मैं कितना अर्न कर रहा था, मैं 2.5 लाख कर रहा था, अब मैं 20 लाख और लगाता हूं तो मेरे पास अब टोटल जो अर्निंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 70 लाख पे 3.9 लाख, तो 3.9 डिवाइड बाय 70, आप कहोगे 3.9 डिवाइड बाय 70 ये आया 5.57%, मतलब पहले 5% था अब 7% हो गया, तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? 5.57% बढ़ गई मेरी तो आरओआई, ये तो लगाना चाहिए। अब डिवीजन की परफॉर्मेंस के साथ अब गोल कांग्रेस में देखते हैं, जो अभी डिवीजनल ट्रांसफर प्राइस में सीख रहा। अब सोचो डिवीजन अल्फा क्या कहेगा? डिवीजन अल्फा कहेगा कि यार मुझे 10% इसमें कमाई है और मेरा 13% अभी कमा रहा था, तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि कंपनी की जो यही फंड्स उठाने की कॉस्ट है वो 8% है। वो कह रहा तो क्या हो गया, कंपनी का खर्चा 8% है, कंपनी अभी भी 2% कमा सकती है? वो नहीं सोचेगा, वो कहेगा मेरी परफॉर्मेंस तुमने किस पे इंडिकेट की, केपीआई डिसाइड किया ना तुमने, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेरा तुमने परफॉर्मेंस मेजरमेंट किसके बेस पे किया? इसके बेस पे, आरओआई के बेस पे। अगर मेरा आरओआई सोच के बताओ 10% है तो मेरा जो करंट आरओआई इससे घट जाएगा? मैं तो नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो इस बिहेवियर को क्या कहेंगे? इस बिहेवियर को कहेंगे दिस फंक्शनल बिहेवियर। यहां पे वो क्या कर रहा है? वो कंपनी के बेनिफिट के लिए नहीं सोच रहा, वो ये नहीं सोच रहा कि 8% कॉस्ट पड़ रही है इस कैपिटल की और मुझे 10% मिल रहे हैं तो कंपनी को तो फायदा हो रहा है, तो क्यों ना एक्सेप्ट कर लूं इस ऑफर को। नहीं, वो ये नहीं सोच रहा है, वो सोच ही नहीं रहा इस बारे में। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में बस ये चल रहा है कि मेरी करंट आरओआई जो है 13% है, अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा तो मेरी आरओआई कम हो जाएगी, क्योंकि मेरी आरओआई कम हो जाएगी तो वो ये बहुत सीधी सी बात बोल रहा है कि मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मेरी आरओआई क्या है?
वो कम हो जाएगी, तो मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात। तो आप ये कहोगे कि सर ये तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, ये तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, वो ऑप्टिमम डिसीजन नहीं ले रहे, गोल कॉन्ग्रेंस के हिसाब से सोच ही नहीं रहा वो। उसका गोल क्या होना चाहिए? कंपनी का गोल जो हो, उसका गोल यहां पे वो कंपनी के बेनिफिट के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो सिर्फ अपना सोच रहा है। तो आप ये कहोगे कि गोल कॉन्ग्रेट नहीं कर रहा है वो, तो सिर्फ अपना मैं आई मैं ये सोच रहा है, मैं भर गई उसमें। अब इस चीज को कैसे सही करें, क्योंकि वो ऑप्टिमम लेके कौन सा डिसीजन ले रहा है? सब ऑप्टिमम, जो बेस्ट ना हो उसको क्या कहेंगे? सब सब ऑप्टिमम। तो यहां पे बिहेवियर को क्या बोलते हैं? डिसफंक्शनल बिहेवियर। और ऑप्टिमम ना लेके कोई और डिसीजन लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सब ऑप्टिमम डिसीजन। तो हम यहाँ पे देखो केपीआई हमने कैसे डिसाइड किया, ग्रॉस प्रॉफिट तो समझ में आता ही है, उसमें कुछ था ही नहीं। अब हम सोच रहे हैं दूसरा केपीआई क्या हो सकता है, फाइनेंशियल केपीआई। तो आप कहोगे यार परफॉर्मेंस इंडिकेटर तो ये भी हो सकता है, हम लोग आरओआई रखते हैं। आरओआई में दिक्कत क्या है? वो सब ऑप्टिमल डिसीजन ले रहा है। अच्छा डिवीजन बीटा के हिसाब से भी सोचो, डिवीजन बीटा कूद के हाँ कह रहा है कि हाँ ले लो जल्दी 20 से 20 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दो। व्हाई ही सेइंग सो? बिकॉज उसकी करंट आरओआई जो आ रही थी वो 5% आ रही थी, नई आरओआई जो है नई इन्वेस्टमेंट पे कितनी हो जाएगी? 7%। तो वो तो कूद रहा है, बिकॉज हिज आरओआई विल इंक्रीज, ओवरऑल आरओआई विल इंक्रीज, इंक्रीज करेगी ना। नाउ अगेन प्रॉब्लम इज कि वो तो हाँ बोल देगा, लेकिन कंपनी की कॉस्ट इन रिसोर्सेस की कितनी है? 8% है। अबे कंपनी की कॉस्ट तो देख ले, 8% अगर कंपनी पे खर्चा आ रहा है तो क्या कर रहा है? समझे या नहीं समझे? आप कहोगे 7% रिटर्न, 8% लगा के क्या फायदा है? तो आप कहोगे फिर से सब ऑप्टिमल डिसीजन ले रहा है अपने बेनिफिट के लिए। आ गई कि नहीं आ गई प्रॉब्लम? किसके अंदर? आरओआई में प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आ गई? डिविजन्स क्या करती है? गोल कॉन्ग्रेंस के हिसाब से नहीं सोचती, वो अपने बारे में सोचते हैं। दे बिकम सेल्फिश, डिसफंक्शनल बिहेवियर ले आते हैं। क्लियर है? तो आपने कहा सही बात है सर, आपने कहा कि सर इनका डिसफंक्शनल बिहेवियर हो जाता है। अब इस चीज को सही करने के लिए हम लेके आए एब्सोल्यूट वैल्यू, परसेंटेज की जगह किसके लिए, उसको क्या कहते हैं हम? रेजिडुअल इनकम। एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या कहते हैं? रेजिडुअल इनकम। अब इसी सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे जो सिचुएशन चल रही थी, 8% ऑफ 20 लाख 1.6 लाख होते हैं। अब क्योंकि 2 लाख इज मोर देन 1.6 लाख, रेजिडुअल इनकम क्या कहलाएगी? बची हुई इनकम 0.4 लाख, और इधर -0.2 लाख। तो रेजिडुअल इनकम इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करता है, कहते हैं सॉल्व सॉर्टेड। अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो इन्वेस्ट करो, फालतू की बात ना करो यहां पे। ओ समझ में आया? इससे फायदा क्या है? सब ऑप्टिमल डिसीजन हट जाता है, ऑप्टिमम डिसीजन हो जाता है कि यार देखो अब पॉजिटिव आ रही है। अगर ये फिगर पॉजिटिव कैसे आई? आपने कहा कि सर देखो ना ये कैसे आई, यहां पे देखो राइट नाउ आई एम पेज नंबर ऑन पेज नंबर 9.11। आपने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वॉस 1.6 लाख, सो योर रेजिडुअल इनकम इज 0.4 एंड -0.2 लाख। सो ऑब्वियसली यू विल से ओके वी शैल, हम लोग पॉजिटिव है तो आगे इन्वेस्ट करो। तो ये जो प्रॉब्लम थी सब ऑप्टिमल डिसीजन की तो रिजॉल्व हो गई, मगर अब दिक्कत आ गई, अब डिवीजन की परफॉर्मेंस नहीं सही से मेजर हो रही। क्यों? आपने कहा ऐसा क्यों? प्रॉब्लम यहां पे है कि अगर मैं, ध्यान से सुनना, लड़ाइयां तो यहीं पे है और इसी पे क्वेश्चन आता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पे डिसीजन तो मैं ले सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है एक डिवीजन की ने इन्वेस्ट कर रखा है 20 लाख रुपए और एक डिवीजन ने इन्वेस्ट कर रखा है 200 करोड़ रुपए। पहली डिवीजन भी 0.4 लाख रेजिडुअल इनकम ला रही है और सेकेंड डिवीजन भी लेट अस से 0.4 लाख रेजिडुअल इनकम ला रही है। गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? परफॉर्मेंस मैच नहीं हो पा रही ना, कंपेयर हो पा रही है नहीं हो पा रही ना। एग्जैक्टली दिस इज द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली दिस इज द प्रॉब्लम। यहीं पे प्रॉब्लम फंस गई। क्या प्रॉब्लम फंस गई? आपने कहा सर एक छोड़ रहे हो दूसरी पकड़ रहे हो, ये क्या है?
वहां पे प्रॉब्लम थी कि सब ऑप्टिमल डिसीजन हो रहा था, यहां पे प्रॉब्लम है डिसीजन तो सही हो जाता है, पॉजिटिव है तो ले लो डिसीजन, ठीक है इन्वेस्ट कर दो, लेकिन जहां पे कैपिटल मतलब बेस अलग अलग हो जाएगा कैपिटल का, वहां पे कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, ठीक है वहां पे कंपैरिजन नहीं हो पाएगा रेजिडुअल इनकम तक। तो ये प्रॉब्लम है। अब ये एब्सोल्यूट मेजर है, ये आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन आरओआई एंड आरआई। मैं आ रहा हूं क्वेश्चन पे, ये एग्जांपल वगैरह मैंने सारे आपके कवर करे अच्छे से, एक बार ये वाला एग्जांपल और ले लो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, जल्दी पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है ही है, जल्दी पढ़ो। पढ़ लिया, चलो इलस्ट्रेशन थ्री देखते हैं। इसमें कुछ नहीं था, देखो यहां पे अगर आरओआई निकालेंगे, आरओआई पहली डिवीजन सेकंड डिवीजन, तो आरओआई ये आया। अच्छा कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, दोनों में सही है, लेकिन ज्यादा किसमें है W2 में, मगर ये भी तो देखो ये कितने अंतर है, 156 को अराउंड आप 6 टाइम्स कर दोगे तो 960 बनता है। अब यहां पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, आ रहा है रेजिडुअल इनकम कितनी आ रही है 1560, और यहां कितनी आ रही है 24 लाख, तो आपको तो लग रहा है बहुत अच्छी आ रही है, इससे W2 से W1 में बहुत ज्यादा है। अगर इन्वेस्टमेंट 6 टाइम्स है तो ये भी तो 6 टाइम्स होना चाहिए, ये तो बहुत कम है, इससे अच्छी तो W2 है। आप कहोगे यहां पे फंस गए कि नहीं फंस गए, क्योंकि आरओआई के तो हिसाब से ये बेटर है, लेकिन आरआई के हिसाब से कौन सा बेटर है, W1। एक्चुअली सच्चाई ये है W2 बेटर है, लेकिन दिख क्या रही है W1, आरआई यहां पे गलत करता है रेजिडुअल इनकम मतलब। अब एलएनजी की तीन डिवीजन है, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 14%। अब आपसे क्या कहता है, देखिए आपसे बोलता है ऑपरेटिंग एसेट एंड इनकम आपको दे दी डिविजन्स की, 8 लाख का उसके पास पैसे पड़े हुए इन्वेस्ट करना है एक डिवीजन, 8 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आरओआई आपको बता दिया ये 8 लाख कहां का इन्वेस्ट हो सकता है, तीन डिविजन्स हैं, तीनों में अगर मान के चलो एल में इन्वेस्ट करते हैं तो 16% रिटर्न आएगा, एन में 12% और जी में 15, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना था 14, तो आपने कहा ये वाला तो मीट ही नहीं कर रहा डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को, सही है। अब आरओआई निकालनी है, प्रेजेंट आरओआई कितनी कितनी है तीनों डिवीजन, मतलब 358 डिवाइड बाय 1920, जैसे ये 345 600 डिवाइड बाय 1920, आपने कहा 18%, इसी तरीके से सब निकाल देंगे, कितनी कितनी है बता दे रहा 16.5 और 13.6, अब आपने कहा कि सर इसके बाद कौन सी डिवीजन हाईएस्ट आरओआई लेके दे रही है, आपको पता है फर्स्ट एल डिवीजन हाईएस्ट आरओआई लेके आ रही है प्रेजेंट सिचुएशन, आरओआई के बेस पे आइडेंटिफाई कर द डिवीजन हु वुड बी मोस्ट ईगर टू एक्सेप्ट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स, कौन सबसे ज्यादा ईगर होगी एडिशनल इन्वेस्टमेंट के। देखो करंट इन्वेस्टमेंट परसेंटेजेस 18%, 16.5% और 13.6%,
देखो इसमें बढ़ गई, इसमें घटी, इसमें घटी आरओआई, इसमें बढ़ी, तो बताओ ईगोर कौन होगा? जी कूद के कहेगा मेरे को एक्सेप्ट, क्योंकि उसकी करंट आरओआई से नई वाली जो है ज्यादा है, वही होगा एडिशनल फंड्स को एक्सेप्ट करने के लिए। बेस्ड ऑन आरओआई आइडेंटिफाई द डिवीजन मैनेजर हु वुड बी लीस्ट ईगर टू एक्सेप्ट द एडिशनल फंड्स। अब इसकी में 2% कम हुई है और इसके में 4.5%, तो होंगे तो दोनों ही लीस्ट ईगर, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान एन का है, वो कहेगा मैं नहीं कर रहा भाई, ठीक है मैं तो डिजायर्ड आरओआई भी नहीं ला पा रहा, वो लीस्ट इंटरेस्टेड होगा, ठीक है लीस्ट ईगर होगा। स्टेट द डिविजन दैट ऑफर्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एलएनजी, कौन सी है? एल ऑब्वियसली। अब देखो यहां तक आ गए, फोर्थ तक, समझाने की मेरे को कोई जरूरत तो नहीं है। अब आगे कहता है डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू एंड फोर। देखो इसका आंसर था एल और इसका था जी। आप कह रहे हो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ये है, ये तो कूद के कह रहा है मेरे को दे दो, लेकिन कंपनी एज अ होल के हिसाब से बेटर कौन सा है? एल बेटर है। एल लेना नहीं चाह रहा, जी लेना चाह रहा है, लेकिन कंपनी एज अ होल के हिसाब से कौन बेस्ट है? तो अगर सब ऑप्टिमम डिसीजन ना ले और गोल कांग्रेस के सब सोचे तो एल का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब एल वाली सिचुएशन में एल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि जी में। ये मत सोचो कि जी लेना चाह रहा है कि भाई उसकी बढ़ जाएगी, अरे वो छोड़ो कंपनी के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं, अगर जी की बात मान जाते हैं तो डिसफंक्शनल बिहेवियर हो जाएगा, सब ऑप्टिमल डिसीजन हो जाएगा, तो कंपनी के हिसाब से सोचना। तो आप कहोगे इस कंफ्लिक्ट को यही है पूरी कंफ्लिक्ट, तो आप कहोगे कि सर हमें यहां पे यही चल रहा है लड़ाई, ठीक है कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए हमें, ये बोला जाएगा। एडवाइस हाउ रेजिड्यूअल इनकम परफॉर्मेंस मेजर कुड बी यूज टू मोटिवेट द मैनेजर्स टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब ये रो रहा है ना, इसका रोना कैसे मिटेगा? अगर आप यहां पे आप ये कहोगे कि ये 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लेते हैं, तो देखो ये भी मीट कर रहा है, ये भी मीट कर रहा है। अब 14% से ऊपर रुपीज जहां पे ज्यादा आ रहे हो एब्सोल्यूट वैल्यू, वो देखो जब उसको दिखेगी नहीं, परसेंटेज से कंपैरिजन नहीं करेगा तो वो अपने आप नहीं रोएगा, वो कहेगा अच्छा इसमें तो कमाई है, रेजिडुअल इनकम है, बढ़िया है। आप देखो ना यहाँ पे 16% अगर आ रहे हैं 8 लाख पे और 14% आपकी वो है क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप कहेंगे 8 लाख का 2% आपका 16,000 का आपको रेजिडुअल इनकम दिखाई देगी। सेकेंड केस में 8,000 की, मतलब एल के केस में 16 और जी के केस में 8,000, तो जहां पे ज्यादा रेजिडुअल इनकम है वहां इन्वेस्ट कर दो, काम खत्म, रोना धोना खत्म। एन में नेगेटिव आ रही है तो उस पर इन्वेस्ट ना करो। तो ये आपका आंसर है। अर्निंग पर शेयर वगैरह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज तो मैं आपको इसके ऊपर ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। अर्निंग पर शेयर ईवीए वगैरह अगर आपने कहीं पढ़ रखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं याद तो थोड़ा सा देख के आना, मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ आईआरआर भी देख के आना, आईआरआर वगैरह, क्योंकि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, नहीं तो ना पढ़ाना मुश्किल पड़ जाता है ये चीजें। ईवीए तो मैं बता सकता हूँ, अर्निंग पर शेयर वगैरह ये सब आपको आने चाहिए, खुद ही आने चाहिए, ठीक है ना। एमसीक्यू वन पे आते हैं, आरओआई इज डैश मेजर एंड लीड्स टू डैश, बताओ क्या वो एब्सोल्यूट मेजर है या रिलेटिव? पहले तो ये सोचो, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट तो नहीं, एब्सोल्यूट तो आरआई होता है, और इसके चक्कर में क्या दिक्कत होती है? ऑप्टिमम या सब ऑप्टिमम डिसीजन हो जाता है? सब ऑप्टिमम डिसीजन हो जाता है, यही है। आरआई इज डैश मेजर, अब फिर से रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है, आपको पता है एब्सोल्यूट है, हेंस बेस्ट एप्लीकेबल टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन ऑफ सेम साइज या डिफरेंट साइज। सेम साइज, डिफरेंट में तो दिक्कत हो जाती है आरआई में, तो आ गया सी आंसर सही, ठीक है। ये ट्रिपल बॉटम लाइन का है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा।
अभी हमने पढ़ा था क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आर अ ट्रू सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होना चाहिए। ट्रिपल बॉटम लाइन का आप पढ़ के आइएगा दोबारा, नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। क्वेश्चन वन पे आइए, वन और टू जल्दी से देख लेते हैं आसान क्वेश्चन से, फिर आज की क्लास खत्म कर देंगे या आज यहीं पे रोक दें। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक कल कर लेंगे या देखते हैं कैसे करते हैं। ये मैंने आज भी बोला था छुट्टी लूंगा, फिर भी ले ली। कहता है वाई लिमिटेड के तीन ऑटोनोमस डिविजन्स हैं, डिविजन्स आर इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ आरओआई विद ईयर एंड बोनसेस गिवन टू डिविजनल मैनेजर हु हैव हाईएस्ट आरओआई। ऑपरेटिंग रिटर्न्स ऑफ डिविजन टू फॉर लास्ट ईयर आर गिवन बिलो। अब आपको इस तरीके से ऑपरेटिंग रिजल्ट दिए हैं डिविजन टू के, सेल्स दे दी, वेरिएबल एक्सपेंस कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, फिक्स एक्सपेंस माइनस की नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, डिविजनल ऑपरेटिंग एसेट। ठीक है, अब इसके बाद आरओआई के बेस पे चलना है और हमें बोनस देना है। ठीक है, आपसे कहता है कंपनीज ओवरऑल आरओआई लास्ट ईयर वाज 18%, डिविजन टू हैज एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट लाइन दैट वुड ऐड दैट वुड रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख। आपसे कहा कि कंपनी की आरओआई जो थी वो थी आपकी 18% और आपसे कहता है कि अब एक नई प्रोडक्ट लाइन हम ऐड करना चाह रहे हैं जिसमें 30 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी। कुछ डिटेल्स और दी हैं इस नई प्रोडक्ट लाइन की, सेल्स दे दी, वेरिएबल एक्सपेंस, फिक्स एक्सपेंस, लाइफ साइकिल जो है प्रोडक्ट लाइन की 5 साल। कैलकुलेट लास्ट ईयर्स आरओआई ऑफ डिविजन टू, सीधे सीधे निकाल दो, 16 लाख डिवाइड बाय आपने कहा 52,50,000 आ गया। देख लेते हैं, खोल देता हूँ। अभी जो थी वो कितनी है देखिए, 32 लाख हो गया। अब आपसे कहता है डिस्कस वेदर द मैनेजर ऑफ डिविजन टू वुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट न्यू प्रोडक्ट लाइन इफ ही टेक्स दिस इज डिसीजन बेस्ड सोली ऑन डिविजनल आरओआई। अब आप ये सोचिए कितना पहले बचा इसको, 90 लाख पे अगर इसकी 65% वेरिएबल कॉस्ट है तो कॉन्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज हो गया 35%। तो आपने कहा कि सर कंट्रीब्यूशन आ गया 31,50,000, माइनस किया 25,20,000, तो आपके पास प्रॉफिट जो आया वो आया 6,30,000। ये आया इन्वेस्टमेंट पे 30 लाख की, तो आपने कहा 21% हो गया आरओआई। आपने कहा कि सर मैनेजर टू एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा आरओआई के बेस पे, रिजेक्ट करेगा क्योंकि उसकी अभी जो थी वो 32% थी, अब हो गई 21%। उसकी ओवरऑल आरओआई इसके चक्कर में गिर जाएगी, कैसे गिर जाएगी देखो मैं बताता हूँ। अभी तक उसकी इन्वेस्टमेंट थी, मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी अभी थी 52,50,000, अब हो गई 30 लाख, और अभी तक उसकी इनकम थी 60.8 लाख, अब उसकी इनकम हो गई प्लस कितनी जोड़ी थी मैंने 630 थी, तो ओवरऑल जो हो गई यहां तक देखिए एसेट हो गए 82.5 लाख, और ये हो गई 16.8 प्लस 6.3, ये हो गया 23.1 लाख।
तो ये आपने अगर डिवाइड किया 82.5 लाख से तो ये आ गया 28% ROI। ओवरऑल ROI घट के इतनी रह जाएगी, ठीक है। एडवाइस हाउ रेजिडुअल इनकम अप्रोच कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फाइनेंशियल मेजर फॉर इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कैसे यूज कर सकते हैं? आप कहोगे कि देखो हमें फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? आपने अगर ध्यान दिया था 6.3 लाख इनकम थी ऑपरेटिंग इनकम, है ना। अब अगर ऑपरेटिंग इनकम इतनी है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कितनी है मेरी 18% के हिसाब से 30 लाख पे, 30 लाख इंटू 0.18 आपने का 5.4 लाख, तो आपने का 90,000 मेरा रेजिडुअल इनकम आ गया कि नहीं आ गया? देखो यहां आया होगा। आप कहोगे रेजिडुअल इनकम कंट्रोलेबल प्रॉफिट कितना था? ये रेजिडुअल इनकम आ गया 90,000, ठीक है। आपने कहा ठीक है, तो आपने कहा ये कैसे बेस्ट इंटरेस्ट में है? क्योंकि ये सही डिसीजन इनमें हेल्प कर रहा है, अदरवाइज हम डिसीजन ले ही नहीं पाते। अब इसमें IRR वाली लाइन भी है, इसमें अल्टरनेटिव वे था 90,000 इन्होंने वैसे निकाला था, प्रपोज इन्वेस्टमेंट पूरा करके वही चीज है। ये 90,000 निकालने के इनके दो तीन तरीके होंगे, 90,000 यहाँ निकाले, 90,000 यहाँ निकाले। अब इसमें इन्होंने क्या किया है? आप कहोगे इसमें IRR बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने सीखा हुआ है IRR, क्योंकि ये 5 साल की बात चल रही है, तो कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट IRR निकल रहा है, आपने ये निकाल दिया। मैं इस पर कुछ नहीं कह रहा, ये आपको खुद देखना है कैसे निकालते हैं IRR, आप खुद कैलकुलेट करिए IRR कितना आ रहा है, ठीक है। इसकी हमारे को नीड नहीं है इस क्वेश्चन में, इसने जबरदस्ती निकाल रखा है। IRR के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आपको AFM के टीचर से सीखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को बहुत, मैं बड़े बहुत उसमें घुस जाऊंगा, ठीक है। मैं इस पर कुछ नहीं पूछ रहा। अब आ गए सेकंड क्वेश्चन पे, कहता BYD Alloy first opened its door in 1991 for business and now it is a major supplier of metal supporting over a dozen different industries and employ experts to support each industry. These include wood and panel, ऐसी की तैसी पता नहीं क्या क्या कर रखा है। यहाँ से पढ़ते हैं। The company has two divisions, Division Y and Division D. Each division works as an investment center separately. दोनों investment center, क्योंकि investment center है, ROI बोलेंगे ना कि ROC. The salary of each division manager is 7,20,000 per annum with the addition of annual performance related bonus on ROI. अभी उनकी salary है 720 हर division के, D की भी और Y की भी। आपने कहा अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो बोनस भी मिलेगा। मिनिमम ROI इज 12% इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव बाय ईच डिविजन मैनेजर। दोनों ने सोच रखा है 12% तो हम ले आएंगे। इफ अ मैनेजर ओनली अचीव्स, अगर किसी मैनेजर ने सिर्फ अचीव किया क्या 12%, ही विल नॉट बी रिवार्डेड विद बोनस। अगर 12% ही ले गया तो कोई बोनस नहीं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं आप कह रहे हो, वो क्या है? वो कह रहे हैं मिनिमम ROI है, वो तो है ही है। However, for every 1% above 12% which division manager achieves for a year, a bonus of 3% annual salary will be paid subject to maximum bonus of 20%. अब ऐसे बोला, अगर 12% के बजाय 13% आ गई मेरी ROI, तो 3% आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। अगर 14% आ गई तो 6% हो जाएगा, 15% पे 9, 16, 12, 17, 15, 18, आपने कहा कितना 18%, 19% पे 21, मतलब इन दोनों के बीच में 18.67 तक, मतलब मैक्सिमम 20% जा रहा है ना। आपने कहा अगर 19%, मतलब अगर 19% से ज्यादा ROI, 18% से ज्यादा ROI, 89% से, तो 20% तो है ही है, अगर इससे कम है तो ये देख लेंगे टेबल जो बनाई। अब आपसे कहते हैं फिगर बिलो जो है वो दे रखी है, रेवेन्यू दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, हेड ऑफिस कॉस्ट नहीं लेंगे, कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन लेते हैं। याद है मैंने सिखाया था हेड ऑफिस कॉस्ट भूल जाओ, है ही नहीं, नेट प्रॉफिट भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेंटर के हिसाब से चल रहे हैं। अब आपसे कहता है नॉन करेंट एसेट, कैश, ट्रेड पेबल, तो इन दोनों को ऐड करो और इसे माइनस करो।
ठीक है, तो आपके पास आएगा 19520 प्लस 4960 माइनस 5920, ये आया 18560 और दूसरी में आया 29960 प्लस 6520 माइनस 2800 33680, ये इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आपसे कहता है कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन, हमारे पास ये दे दिया कंट्रोलेबल प्रॉफिट है, अब कहता है पहले इसमें आरओआई निकाल लेता हूं, 5290 डिवाइड बाय 18560 ये हुआ 28%, और दूसरे केस में 3940 डिवाइड बाय 33680 इसके हिसाब से 11.69%। तो ये देखो, ये तो रीच कर गया, ये तो 12% से ज्यादा आरओआई लाया, बल्कि 19% से ऊपर भी चला गया, तो इसलिए बोनस जो है, वो तो पूरा 20% की 20% मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर उसने कहा था कितना भी आरओआई ले अब 20% ही मिलेगा। आरओआई अगर तुम 28% लाओ, 30% लाओ, 19% से ऊपर जाओगे तो 20 मतलब 18 पॉइंट समथिंग के ऊपर जाओगे तो तुम्हारा 20% ही रहेगा बोनस। आपने कहा ठीक है, सेकंड सिचुएशन में उसने आरओआई रीच नहीं किया, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, तो उसको कोई बोनस नहीं, मिनिमम रिक्वायर्ड आरओआई भी नहीं रीच किया, तो एफएआई नाम है इस मैनेजर का जिस नालायक ने नहीं किया। अब कहते हैं क्या एचएआई हंस रहा है, हाँ हाँ उसने कर लिया। एफए मैनेजर ऑफ डिवीजन डी इन्वेस्टेड 13.6 लाख इन मिलियन रुपीज इन न्यू इक्विपमेंट, ये एक्चुअली एसीसीए का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कॉपी किया हुआ है, इंक्लूडिंग एन एडवांस कटिंग मशीन विच विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय 10% पर एनम। अब आपने कहा कि ये मैनेजर जो है ना, ये इन्वेस्ट करना चाह रहा है 13.6 लाख नई मशीन, नई इक्विपमेंट, इंक्लूडिंग क्या है एडवांस कटिंग मशीन, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी, इससे उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी, 10% बढ़ जाएगी फ्यूचर। अब इसने क्या किया, इसकी ये जो इतनी बड़ी है ना, अगर मान लो ये इन्वेस्टमेंट नहीं करता 13.6 मिलियन, ये सारे मिलियन में कैसे है, इन थाउजेंड, आप कहोगे अगर ये सोचो ये नहीं करता तो कितनी रह जाती इसकी इन्वेस्टमेंट, 33680 माइनस 13600, तो उसकी फिर इन्वेस्टमेंट उस केस में होती 280, फिर उसका आरओआई कितना आता 3940 डिवाइड बाय 280 ये आता 19.62%, मतलब उस केस में तो उसको 20% बोनस मिलता। उसने क्या किया, उसने नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। अब इस नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का एक उसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ गया, अब तो वो घबरा रहा है इन्वेस्ट करने से पहले कि अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे बोनस नहीं मिलेगा, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या दिख गया, दिखा एक ड्रॉबैक। अब थ्योरी जब पढ़ोगे ना तो उसमें दिखेगा ये ड्रॉबैक भी लिखा हुआ कि यहां पे कैपिटल इन्वेस्ट करने से घबराता है आदमी मैनेजर, क्यों घबराता है, अगर उसका बोनस किससे लिंक्ड है, आरओआई से लिंक्ड है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहे उसका मशीन टूट रही है, फूट रही है, खराब हो रही है, चल रही है, नहीं चल रही, वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो उसको मालूम है मेरी आरओआई कम हो जाएगी, मेरा बोनस हट जाएगा, तो घबराता है। जैसे बेचारे एफआई ने क्या गलती की, कुछ गलती थोड़ी की, उसने तो बस मशीन के बेटरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, क्या गलत किया। एचएआई जो हंस रहा था मैनेजर, हैज मेड नो इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर इवन दो इट्स कंप्यूटर सिस्टम नीड्स अपग्रेडेशन। अब देखो इस बदमाश ने जानते हुए भी कि मेरे को अपग्रेडेशन चाहिए, लेकिन अपने बोनस फिर से क्या कर रहे हैं, गोल कांग्रेस के अगेंस्ट आ रहा है। आप कहोगे यार ये अपने ही सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर रहा, गलत बात है, क्योंकि अपग्रेड करेगा डिसएडवांटेज देखी आरओआई की, एक और
यहाँ पे क्या है वो मशीन में कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो आपकी सबसे बड़ी आफत आ जाएगी। समझे या नहीं? आपने कहा सही है। कह रहा है डिवीजन वाई हैज ऑलरेडी डिलेड पेमेंट ऑफ इट सप्लायर ड्यू टू लिमिटेड कैश एंड बैंक बैलेंस, ऑल्दो बैंक कैश बैलेंस इन डिवीजन वाई स्टिल बेटर देन दैट ऑफ डिवीजन डी। और वो नालायक क्या कर रहा है, वो सप्लायर वगैरह को पेमेंट नहीं कर रहा तब भी बोनस ले रहा है, ये तो और गलत बात है। तो ये भी ध्यान देना चाहिए यार, सप्लायर कल को डिससेटिस्फाई होगा, कल को काम नहीं करेगा हमारे साथ, जबरदस्ती रिसीवेबल बढ़ा रहा है और पेबल बढ़ा रहा है, ये भी गलत है। ऑल्दो इससे शायद आरओआई पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कि कैश पे जितना इंपैक्ट पड़ेगा उतना ही आपका इंपैक्ट पड़ेगा किस पे, ट्रेड पेबल पे, है ना, लेकिन इससे सप्लायर तो दुखी हो जाएगा मेरा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपने कहा ठीक बात है सर। तो अब आपको क्वेश्चन में कहा कि ये डिवीजन वाई, ये तो बोनस का तरीका ही गलत है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये सही नहीं आएगा। फॉर ईच डिवीजन कंप्यूट आरओआई फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, जस्टिफाई द फिगर्स यूज इन योर कैलकुलेशन। आरओआई अगर हम लेते हैं तो पूरी जस्टिफिकेशन वगैरह आपने बता दिया, कंप्यूट भी कर दिया, कंप्यूट द बोनस ऑफ ईच मैनेजर हमने वो भी कर दिया, दोनों को, पहले वाले को 20%, अगर वो इन्वेस्ट नहीं करता तो सेकंड वाले को 20% मिलेगा, नहीं तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। डिस्कस वेदर आरओआई प्रोवाइड्स अ जस्टिफाइबल बेस बेसिस फॉर कंप्यूटिंग द बोनसेस ऑफ मैनेजर एंड प्रॉब्लम्स अराइजिंग फॉर इट्स यूज एट बीवाईडी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। क्या ये जस्टिफाइबल बेस है? नहीं। आप आरआई लेके चलोगे बोनसेस के लिए, और भी कोई तरीके आप सोच सकते हो, मगर आरओआई शायद सही नहीं रहेगा, नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करने देगा, बोनस के लालच में आपका गोल कांग्रेस नहीं हो पाएगा। जल्दी से आंसर पढ़ो और उसके बाद आज की क्लास फिनिश करते हैं, जल्दी से पढ़ना, ये बोनस वोनस हो गए, थर्ड पार्ट पढ़ लो बस, जल्दी पढ़ना। एक सेकंड दिखा रहा हूं, जल्दी पढ़िए। जल्दी पढ़ो और फिर टाटा बाय बाय हो जाएगी। चलो आज के लिए यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए टाटा बाय बाय।